कजी अशरफ जब्बार कुरैशी साहब और हमारे हैदराबाद से हमारे साथी विंग कमांडर रिटायर्ड क्यू हाकिम साहब, हम सब यहाँ आज हाजिर हुए और बेसिक यही था कि जी तेज़ करो जिद्दोजहद तेज़ करो। चूँकि ये जो एक सरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, जो जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है और जो बाजारी निज़ाम सिंध पर नाफिज किया जा रहा है, मैं नवीद भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये सिर्फ शहर कराची नहीं, पूरे सिंध से दुश्मनी की जा रही है। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिद्दोजहद जारी है, एमक्यूएम की जानिब से भी मुजाहरे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हमारी भी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुई, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर हमारे इत्तेहादी GDA भी हमारे साथ मौजूद है और दीगर जमातें भी उन्होंने साथ दिया है। तो आज ये हम आए हैं, हमारा आज सुबह ही मेरी पीर साहब यूनुसाई से भी बात हुई, मेरी डॉक्टर सरदार अब्दुलरहीम साहब से भी बातचीत हुई है और हम इकट्ठे मिलकर उनसे भी मिलेंगे और उसके बाद हम ये प्लान लेकर के इस जिद्दोजहद को आखिरी और फैसला कुन मरहले तक लेकर जाना है। कोई ये ना समझे कि हम दब जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम इस सूबे के अवाम के हकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, इस शहर कराची के अवाम के हकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज हमारी डिस्कशन हुई है कि कानूनी पहलुओं पर और इंशाल्लाह हम अपने अपने तरीके से पिटीशंस दायर कर रहे हैं और उसके बाद हमारा एक वफद पार्लिमा और MNAs का, पार्लियामेंटेरियंस का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त करने के लिए जाएगा जब वो कराची तशरीफ़ लाते हैं कि बराहे करम हमारी जो आर्टिकल 140A के ख़िलाफ़ MQM की भी पिटीशन लगी हुई है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी पिटीशन लगी हुई है, बराहे करम उसको सुना जाए, उस पर फैसला किया जाए। चूँकि सिंध में जो असल मसला ये जो 2013 का एक्ट है और उसके बाद जो तरामीम है, तमाम ये आइन के आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 32, आर्टिकल 140A की ख़िलाफ़ वर्जी है, उस हवाले से हमने तय किया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज भरपूर हमने प्लानिंग की है लेकिन अभी हम और मशावरत करके स्टेक होल्डर से, अपने साथियों से, अपने साथी जमातों से हम एक भरपूर लाहमल तैयार करा रहे हैं पूरे सिंध में और हम वो इस हद तक लेकर जाएंगे कि उन्हें ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, ये आवाम दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा, ये सिंध दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा और इसके लिए अदालतों में भी, रोड पर भी, रास्ते पर भी और इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्लान हम कर रहे हैं और कराची शहर के लोग, लाड़काना के लोग, मिट्टी के लोग, पूरे सिंध के लोग ये ना समझें कि हम इन्हें उनका आवाम दुश्मन कानून इनको आगे कामयाब होने देंगे और ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने हमें कंसल्ट किया, ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने हमें एतमाद में लिया। गवर्नर का तक मैंडेट था, जितनी तरामीम भेजी उसी पे उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दे दी। असल तो ये जो एक्ट है 2013 का वही ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि कुएं से, ये जो कहते हैं ना चंद तरामीम हटा दी, कुएं से कुत्ता निकालना पड़ेगा। कुत्ता जो है वो 2013 का एक्ट है, कुत्ते की दुम, कुत्ते का कान निकालने से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि KPA में कोई बुरा हाल नहीं हुआ, KPA में जीतने वाला भी PTI है और हारने वाला भी PTI है मेजर जगहों के ऊपर। और जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है वो पार्टीज़ का नहीं होता है, वो बिरादरियों का होता है, तो ख़ानदानों का होता है। जी ये तो असूल की बात। और मैं कहना चाहता हूँ, एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज पहली दफ़ा विलेज काउंसिल के ऊपर भी इंतखाबात उस लेवल पर हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है टाउन के ऊपर, जो वादा किया था हमारे कप्तान ने। एक और चीज़ फार्मूला बता दूँगा आपको, 2013 में कराची में हमारे वोट थे 8.5 लाख, 2015 में हमारे वोट थे 1,75,000 और 2022 में थे 12.5 लाख। तो जनरल इलेक्शन अलग होता है, कराची में इंशाल्लाह बेहतरीन पीपल्स पार्टी सिंध में कहीं नज़र नहीं आएगी। चलिए मैं जवाब पहले देता हूँ। देखिए, इससे पहले 3 एक्ट बने थे सिंध असम्बली के 2013 में,
जो अदालतों से ख़त्म कर दिए गए थे, ये कुरानी सहीफ़ा नहीं है, कोई हदीस नहीं है, पहले ख़त्म हो चुके हैं जो आइन से मुतसादिम होते हैं। और एक और कई एक्ट ऐसे, कई कानून ऐसे हैं जो कि इन्होंने प्रेशर से वापस लिए हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा जब सिंध के आवाम बाहर निकलेंगे तो इसको वापस होना पड़ेगा, मोदी सरकार को भी वापस लेना पड़ेगा, ये भी इसी किस्म की सरकार है, वापस ले लेंगे। जी गैस का पूरे पाकिस्तान के लोग गैस की वजह से परेशान हैं और MQM उनकी तकलीफ़ों में, उनकी परेशानियों में शामिल है। हमारी वज़ीर आज़म साहब से जब जब मुलाकात होती है, हम इन अपने आवामी मसाइल के ऊपर हम उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आवाम की मुश्किलात हल करने के लिए कुछ हम इकदाम किए जाएँ। मैं इसका जवाब और दे देता हूँ आपको। मसला ये है, आप सहाफ़ी हजरात से भी गैस की जब बात करें तो बराह रास्त वज़ीर आला से करें, वज़ीर आला से ये पूछें कि जो घोटकी से गैस निकलती है उसको NFC में बेचना है ना, वो अरबों रुपए की रॉयल्टी लेते हैं उस गैस की। वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना उस गैस को फरोख्त करती है, फ्री में नहीं लेती विपक्षी हुकूमत। कराची के अगर चूल्हे ठंडे हैं, ये लाड़काना में गैस नहीं आ रही है तो उसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है। वाइन का आर्टिकल 158 के तहत गैस की रॉयल्टी लेना बंद कर दें और कह दें भाई सुबह सिंध को अपनी गैस पहले पूरी करने दो, बाद में विपक्ष को देंगे। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडे का एक मजमा है। और आप सहाफ़ी हज़रात से भी गुजारिश है और सिंध के लोगों से भी गुजारिश है कि इस झूठ के, इस प्रोपेगेंडे से बाहर आना है। हलीम आदिल भाई ने कहा 2013 का निज़ाम और आपने पूछा सिंध में क्या नतीजा आएगा। 21 साल हो गए पीपल्स पार्टी के पास बल्दियात को, मुशर्रफ साहब के दौर से बल्दियात में पीपल्स पार्टी के नाजिम और नाजमा सांप बन के बैठे हैं सिंध के खजानों पर। और 2008 तक दो टेन्योर लोकल गवर्नमेंट के, 2008 से 2013 तक एडमिनिस्ट्रेटर इनके, और उसके बाद आज तक पीपल्स पार्टी मौजूद है। तो ये तो लाड़काना के लोगों को सोचना चाहिए कि 21 साल बल्दियात में वोट देकर उन्हें क्या मिला। मुराद अली शाह साहब के हलके को सोचना चाहिए कि 21 साल वोट देकर वहाँ की माएँ बहनें 3 मील पानी भरने मुश्किलें में क्यों जाती हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है 2013 का, ये तो है ही ख़राब, लेकिन जो 2001 से लोकल गवर्नमेंट में इंटीरियर में खास तौर पर जो नुमाइंदे मौजूद थे वो तो बुनियादी तौर पर झूठे और ख़राब हैं। थैंक यू सर। मैं हल ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ आप, अच्छा अभी आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हुकूमत आप लोग रहे हैं। आ जाए ये बता देना जवाब इस सवाल में।